कि 2-4 किलो मिल जाए। तो ज्ञानी और संत कहते हैं कि प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही परमेश्वर है, लव इज गॉड। प्रेम किया नहीं जाता, कहेंगे वो हो जाता है। संसारिक प्रेम प्रेम नहीं है तो सौदेबाजी। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। प्रेम की गली इतनी पतली है कि या तो भगवान ही रहेगा या हम ही रहेंगे। कि प्रेम की गली में एक बार एक भक्त गया, बोले दरवाजा खोलो, भीतर से आवाज आई, कौन? तो मैं। बोले मैं के लिए यहां जगह नहीं। फिर होश आई, दोबारा गया, दरवाजा खोलो, कौन? तो वही जो तुम। तो दरवाजा खुल गया, क्योंकि वहां मैं के लिए जगह नहीं, तू ही तू है, बस केवल परमात्मा। प्रेम परम, परमात्म प्राप्ति की परम अवस्था का नाम। जब कठिन तपस्या करते करते, उपवास व्रत करते करते, तीर्थाटन करते करते, भजन कीर्तन करते करते जो अवस्था प्राप्त होती है, ईश्वर मिलन की, जहां ईगो समाप्त हो जाता है, समर्पण की पराकाष्ठा होती है, उसे ही प्रेम कहा जाता है। क्योंकि वहां मिल गया, कोई नहीं बचा, सिर्फ परमात्मा है, और फिर हम उसे प्रेम कह रहे हैं, तो अर्थात प्रेम ही परमात्मा है या परमात्मा ही प्रेम, इससे अलग नहीं है। मीराबाई कहती है कि मैंनो गिरधर लीनो मोल, तो कैसे लिए, किस भाव से? तो बोले प्रेम के भाव से लिए। प्रेम के भाव से मोल लिया तो कोई वजन भी किया, बोले ही ये तराजू तौल। प्रेम को तौलने का हृदय ही एक माध्यम है, यहीं पे रख के तौलते हैं, दिमाग के तराजू से नहीं तौल सकते। कहते हैं कि तेरी मंजिल तक जाना बहुत मुश्किल न था, लेकिन दिमाग के रास्ते से गए तो पहुंच नहीं पाए, हृदय के रास्ते से जाते हैं तो पहुंच जाते हैं। तो ये मिलता कहाँ है प्रेम? अगर बाजार में बिकता तो अमीर लोग खरीद लेते, किसान लोगों को नहीं मिलता। अगर खेत में उपजता तो किसान रख लेते, बेचते ही नहीं। इसलिए संत कबीर ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे, शीश दे ले जाए। ये तो वो है कि सिर कटाओ और ले जाओ, अपने अस्तित्व को मिटा देना ही प्रेम प्राप्ति का एकमात्र साधन। कि अपने सब कुछ हो दें तो जो बचेगा वो परमात्मा ही बचेगा, और वही प्रेम की अवस्था है। जब महाभारत की घटना है कि द्रौपदी का चीर हरण हो, बड़े बड़े लोग, भीष्म पितामह बैठे थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कोई भी नहीं बचाया, यहां तक कि भगवान भी नहीं बचाए। आप बोलेंगे भगवान ने तो बचाया था, नहीं बचाया था। फिर आप बोलेंगे नहीं बचाया था, हमने देखा था, हमने महाभारत में देखा कि बचाया था, नहीं बचाया। तब तक नहीं बचाया जब तक वो अपने हाथ से साड़ी पकड़े रही, जब तक ईगो का लेश मात्र भी अहंकार का था कि मैं कर सकती हूं, तब तक नहीं बचाया। और जब पूरा छोड़ दिया, हे गोविंद राखुलाज, अब तो जीवन हार है। अब साड़ी बढ़ने लगी, इतनी बड़ी कि सारी है किनारी है, किनारी ही की सारी है, कि सारी भी किनारी है, किनारी ही सारी है, इतनी साड़ी बढ़ गई कि पता ही नहीं। गज और ग्राह की कथा भी यही कथा है कि वो हाथी खेल खेलने झील में गया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और बड़ा बलवान था, बड़ी सेना थी, बड़े अपने हथनियां, राज्य के उसके कर्मचारी सब आए, खींचने की कोशिश किए, निकल नहीं पाया, भोजन पहुंचाते रहे, लेकिन आखिरी में देखा कि अब तो ये निकलने वाला नहीं। जब हमारी आखिरी हो जाए ना, तो अपने भी सब छोड़ जाते हैं साथ, जब तक शरीर साथ दे तभी तक, नहीं तो कोई साथ देने वाला, सब छोड़ के चल देते। तो सब छोड़ के चल दिया, अकेला बेचारा दुर्बल हो गया, एकदम हड्डी उसके शरीर में बची, आंखों से आंसू धार बह रही है, सूंड से खींचा नहीं जा रहा है, एक कमल का फूल तोड़ा,
और भगवान को याद किया। बोला, हे गोविंद लाख शरण, अब तो जीवन हार है, अब तो आप ही के हाथ में जीवन है, अब तो मैं मरा। और इतना सुनना था कि शंख चक्र गदा लिए गोविंद पधारे। तुरंत भगवान आ गए, लेकिन तब तक नहीं आए जब तक अहंकार छोड़ा नहीं कि मैं अपने से कर सकूं। जब सब प्रभु को ही करना है तो पुरुषार्थ करो और समर्पित कर दो उन्हीं को, नहीं मैं कर लूंगा। एक बार ठीक से भरोसा करके देखें तो जिंदगी बदल जाएगी। और आस्तिकता का मतलब है ईश्वर में संपूर्ण रूप से भरोसा करना। तो सबने प्रार्थना शुरू किया, सुनी विरंचि मन हर सतन, पुल की नयन बहनी, अस्तु करत कर जोरी कर सावधान मति दिए। सारे ऋषि मुनि देवी देवता आंखों में अश्रु धार लिए, हाथ जोड़े भगवान नारायण से स्तुति करते हैं कि हे प्रभु पधारिए। आप लोग भी हाथ जोड़िए। जय जय सुर नायक जन सुख दायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुख दायक प्रणत पाल भगवंता। द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता देवताओं ने ऋषि मुनियों ने
बहुत भक्ति भाव से स्तुति की। एक आकाशवाणी हुई, हे मुनियों देवताओं, मैं शीघ्र ही अवतार लेने वाला हूं, अतः आप सब अपने अंश सहित पहले ही धरती पर जाकर अवतार ले लीजिए। और यही देवी देवता गिद्ध गिलहरी बानर भालू बनकर पहले से अवतार ले लिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अब मैं वो कथा आपको सुनाने जा रहा हूं जो बीच में छोड़ दी। अब आपको अवध अयोध्या की ओर ले चल। अवध अवधपुरी के राजा दशरथ जी थे। धर्म धुरंधर थे, महान धर्मात्मा थे, गुण के निधि थे, गुणों के भंडार थे, ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। हृदय में भक्ति थी और मति में धनुष बाण लिए भगवान राम विराजमान। हृदय मति सारंग पानी। ज्ञानी राजा, इस संसार में धरती पर जो भी आया है, भले ही कोई ऋषि मुनि हो जाए, साधु संत हो जाए और इस संसार से ऊपर उठ जाए, बात अलग है। अन्यथा जो संसार में जाते घिरे हुए है, वो राजा हो, रंक हो, साधु हो, फकीर, इस संसार में उसके जीवन में कोई ना कोई कमी रहती। एक चीज होगी तो एक चीज नहीं रहेगी। जब धन नहीं था तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, और जब धन आया तो दांत नहीं थे, जब धन आया तो खा नहीं सकते कुछ। एक न एक कमी संसार में रहती है। राजा दशरथ के राज्य में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी खटकती रहती थी कि इस इतने बड़े साम्राज्य को चलाने वाला कोई वारिस नहीं है, कोई राजकुमार नहीं, कोई उत्तराधिकारी नहीं। मन में बड़ी ग्लानी होती थी, लेकिन ज्ञानी थे, मन को समझा लेते। लेकिन कितने दिन समझाएंगे। हृदय का भाव प्रबल हुआ, भावना ज्ञान पे भारी पड़ गई, भावना ज्ञान पे भारी पड़ गई। एक बार वो पति मान Thank you.
राजा के मन में ग्लानी हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं। जब भी कोई तकलीफ हो तो इधर उधर ना बोलिए। एक संत गुजराती में सुना रहे थे कि दर्द माँ गाए बिना रोया करो, दर्द माँ गाए बिना रोया करो, जीवन में जा था जोया करो। कि तकलीफ हो तो इधर उधर गाओ नहीं, भगवान और अपने गुरु के सामने रो लो, समस्या का समाधान हो जाए। और इधर उधर मत बोलिए, अगर बोलेंगे तो क्या होगा। रहीम कवि ने लिखा कि रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखे कोई, सुनी ठिली है लोग सब बांट न लगी है कोई। कोई बांटने वाला नहीं, सिर्फ आपका एक गुरु वही बांटने वाला है। इसलिए राजा दशरथ ज्ञानी थे, सीधे गुरुदेव के पास गए। तकलीफ हुई तो गुरु जी के पास गए और कहा, गुरुदेव निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। और कही वशिष्ठ बहुविधि समझाओ, वशिष्ठ मुनि समझाया कि धर हो धीर होई ही चुत सुतचारी, धीरज धरिए चार पुत्र होंगे। बोले चार में एक ही हो लेकिन श्रेष्ठ हो, संस्कारी हो। तो बोले चारों त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, चारों के चारों भगतों के हृदय के भय को हरने वाले और तीनों लोकों में इनका नाम होगा, ऐसा होंगे। तो वशिष्ठ मुनि ने अब इंतजाम शुरू किया, क्या करें। श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, भगति सहित मुनि आहू
श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ मुनि ने बुलाया, पुत्र कामस्थी यज्ञ किया, भक्ति पूर्वक आहुति दी मुनि ने और यज्ञ से खीर प्रकट हुआ। दो रानियों को खीर दिया गया, उसमें से आधा आधा तीसरी को दिया। सारा खेल यज्ञ का है, भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति। यज्ञ से खीर प्रकट हुआ तो भगवान प्रकट हुए। हमारा धर्म यज्ञ को हम इसके पिता भी कह सकते, इसको जन्म देने वाले। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति। यज्ञ की रचना परमात्मा की ने की और कहा कि जो यज्ञ करेंगे वो सुखी रहेंगे, जो नहीं करेंगे दुखी रहेंगे। तो समझ लेना यज्ञ क्या है, कि दूसरे संप्रदाय वाले यदि यज्ञ नहीं करते तो वो कैसे सुखी रहेंगे, और फिर भी सुखी रहते। यज्ञ के दर्शन को समझना। यूं तो यज्ञ एक विज्ञान है, औषधि डालिए दिव्य वातावरण होगा, प्रदूषण दूर होगा, मन में शांति मिलेगी, और आत्माओं का भी विज्ञान है। दिव्य आत्माओं को आकर्षित करके आवाहन करके उसे भोजन कराना भी तो कहा, द्विज भोजन मख होम सराधा, कि देवताओं और ब्राह्मणों ऋषियों का भोजन यज्ञ है, और उससे वो तृप्त होते हैं और आशीष देते हैं। तभी तो राष्ट्र की समृद्धि के लिए, परिवार के संतुलन के लिए यज्ञ किया जाता था, विघ्न बाधा ग्रह नक्षत्रों के संतुलन के लिए भी यज्ञ किया था। और यहां केवल दर्शन समझिए यज्ञ का, कि दान देव पूजन संगतिकरण यज्ञ है। संगतिकरण मतलब मिलजुल के रहना यज्ञ है। जो मिलजुल के नहीं रहते वो यज्ञ नहीं करते, भले लाख स्वाहा कर लो। एक बार असुरों ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते, हमारा साथ तो कभी देते नहीं। उन्होंने कहा, जो यज्ञ करते हैं मेरा साथ उनको मिल जाता है, मुझे किसी का साथ देने की आवश्यकता नहीं। तो बोले, हम भी तो यज्ञ करते। ब्रह्मा जी ने कहा, परीक्षा ले ली जाए। एक भोज का आयोजन हुआ, भोज में बिठाया गया असुरों को आमने सामने, और कई लोग कहते हैं कि एक बांस की खपच्ची बांध दी कि हाथ सीधा ही रह जाए, और 56 भोग परोस दिया, जैसे स्कोन में मिलता है ना संडे को, 56 भोग परोस दिया, और उठाया और वहां से निशाना लगाया, रसमलाई पीछे गया, दही सीधे मुंह पे, बड़ी बड़ी मूछ, जलेबी सीधे टकराए सिर, पूरा खाना बिखर गया किसी का पेट में। देवताओं की बारी आई, उनको भी ऐसे ही लकड़ी बांध दी, बोला भोजन करिए। देवताओं ने एक दूसरे को इशारा किया, यज्ञ करिए। इधर से उठाया और साइड वाले के मुंह में खिला दिया, इधर से उठाया और सामने वाले के मुंह में खिला दिया। ये संसार एक खेती की तरह है, यदि भूमि उपजाऊ है और उसमें एक बीज हमने बोया तो हजार वो देने, अगर सींचा गया उसको, देखभाल की गई, एक विचार अगर हम ईर्ष्या और द्वेष का बोते हैं तो हजारों तरफ से ईर्ष्या द्वेष मिल जाए, एक बीज हम प्रेम का बोते हैं तो हजारों तरफ से लोग आपसे प्रेम करेंगे, एक व्यक्ति को आप सम्मान देते हैं तो हजारों तरफ से लोग आपको सम्मान देंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। कहते, मैं तो किसी के लिए बुरा करता ना, लोग मुझे क्यों करते, निश्चित कहीं ना कहीं ये दोष है, कहीं ना कहीं आप बो रहे हैं, आप एक ही बो रहे, भले ही मिल रहा है हजार तो आपको लगता है हमने तो एक को गाली दी थी, 50 आदमी मुझे क्यों गाली दे रहे हैं। एक दाना बोने से धान का 50 दाना आता है, तो ये यज्ञ है, बोना और काटना, मिलजुल के रहना यज्ञ। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि किस चीज में पावर है, शक्ति किस में है, स्ट्रेंथ किस में है। उन्होंने कहा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बट द सीक्रेट ऑफ यूनिटी इज ऑबीडियंस। एकता में शक्ति है, लेकिन एकता का रहस्य आज्ञाकारिता में है। अपनी अपनी चलाते रहे, परिवार टूट जाए, यज्ञ नहीं हुआ। अगर एक दूसरे का ख्याल रखें, सभी बड़े छोटे सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के विचारों का ख्याल रखें, उसकी सहमति का भी ख्याल रखें, तो परिवार नहीं टूटेगा, संगठन नहीं टूटेगा। संगतिकरण यज्ञ है,
और जो यज्ञ नहीं करता इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। देव पूजन यज्ञ है, चंदन लगाए आरती की हो गया देव पूजन। अरे देवताओं का मतलब है सद्गुणों का भंडार, सद्गुणों का समुच्चय। जो उनके अंदर गुण है वो हमारे अंदर प्रकट हो तो हम देवताओं का सम्मान करते हैं, अन्यथा लाख आरती घुमाते रहे। और जीवन में यदि विकार ही रहा, जीवन में यदि लाख मंदिर जाते रहे और क्रोध ही बना रहा, मंदिर जाते रहे और ईर्ष्या द्वेष ही बना रहा, पड़ोसियों से प्रेम नहीं कर पाए, अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर पाए, तो किसी ने लिखा कि लकड़ी पूजी लोहा पूजा, पूजा है पाषाण को किंतु न पूजा। अब तक हमने धरती के इंसान को राम नाम जपते हैं दुख में साथी हैं रावण के सुख में, कि जब दुखी हुए तो मंदिर भागे और सुखी हैं तो बस बोतल से यारी। गुणों को जीवन में धारण करें तो देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि देवता गुणों के ही रूप है। भागवत में लिखा है कि हर अंग के देवता होते हैं, तो हर अंग के देवता कैसे होंगे? तो बता दिया आंखों के इंद्र भगवान, अलग अलग अंग के बता दिए। ये क्या है समझ लेना, देवता होते हैं लेकिन जब हम कहेंगे कि इसमें शक्ति है देखने की, आंखों में क्या है, देखने की शक्ति है, और शक्ति क्या है, देवता है। इसी को साइंस की भाषा में कहेंगे कि इसमें विजन की एनर्जी है, एनर्जी गई देखना बंद हो, यही है ना। तो जो एनर्जी जिस फॉर्म में हो वो वही देवता है। मनी का फ्लो आ रहा है जिस एनर्जी से, वो लक्ष्मी जी है। युद्ध करने की पावर जिससे जनरेट हो रही है वो दुर्गा जी है। हमने सिंबल दिया, एनर्जी के फॉर्म को अलग अलग रूप में हमने देवता बनाया। अगर उन गुणों का सम्मान नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में तो देवता कभी नहीं प्रसन्न हो सकते। दान यज्ञ है, देव पूजन संगतिकरण और दान। दान यज्ञ है, यज्ञ सबसे बड़ा धर्म है, और यज्ञ करना दान यज्ञ करना है। तो लोगों ने मान लिया कि कहीं गरीब को किसी को बचा खुचा कोई भिखारी खड़ा है, करोड़पति आठ आने का दान कर रहा है, ये क्या दान कर रहा है। करोड़पति आदमी इस लाइट स्ट्रीट पे, वहां रेड लाइट पे खड़ा एक गरीब भिखारी बच्चा आ गया, एक रुपया दे दिया, बहुत कुछ है, मैं तो चेंज रखता हूं और सभी गरीबों को देता रहता। अरे कितना देते रहते, 10% दान करने का रिवाज है, दसवन दशांश निकालने का प्रावधान है। दूसरे धर्म वाले तो निकालते हैं और अपने धर्म की बड़ी दुहाई हम देते हैं, सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म, और जब निकालना हो तो पार्टी में तो खर्च कर देंगे, बेटे के शादी में तो खर्च कर देंगे, दारू पिलाने में तो खर्च कर देंगे, फैशनबाजी में तो खर्च कर देंगे, धर्म के नाम पे करना है 100 रुपये ले लीजिए ना, कथा हो रही है, अच्छा कथा में मेरे तरफ से ये 200 रुपये ले गए। अरे भीख दे रहे हो कि यज्ञ में दान करने के लिए तुम आए हो, क्या कर रहे हो, मत दीजिए आप दान। केवल ऐसे ही थोड़ा सा नहीं दे देना, दान का मतलब है अपने पास जितना है प्रतिभा क्षमता ज्ञान समय, उसमें से अपनी जरूरत से बचाकर बाकी जरूरतमंदों को, योग्य लोगों को, किसी को भी दान कर देना। दान नहीं कि आपके दान के पैसे को ले जाके वो दारू पी रहा, आपके दान के पैसे से वो फैशन कर रहा, ऐसे को दान मत दीजिए। तो दान यज्ञ है तो क्या क्या दान, केवल पैसा, अन्न दान भी दान है, भूमि दान भी दान है, रक्त दान भी यज्ञ है, ज्ञान दान भी दान है, और साधु तो जीवन ही दान कर देते हैं। आप पूछे आप लोग तो लेते रहते हैं, आप कहां दान करते हैं? अरे ब्राह्मण और साधु के तीन ही काम होते, ज्ञान अर्जन करना और ज्ञान बांटना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना। बोले आप कहां देते, जो लिया वो समाज के लिए लगाया, जो आया वो तो इधर बाईपास हो गया, लेकिन ये पूरा जीवन ही लगा दिया समाज के लिए। साधु का मतलब कहते हैं कि वृक्ष अपने लिए फल नहीं लेके घूमते, नदी अपने लिए जल नहीं लेके बहती, और साधु अपने लिए नहीं लेते। परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, किसी ने लिखा कि जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित, जो मरना सीखा
जिया नहीं स्वयं के लिए औरों के हित, जो मरना सीखा दुखियारी पीड़ित मानवता देखकर, जिसका अंतस सीखा, बना वही जग का पैगंबर, मंदिर का भगवान बन गया, गुरुद्वारे का ज्ञान ग्रंथ व गिरजा घर की शान बन गया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो कई लोग मिलते हैं देहातों में, जाए पत्नी से झगड़ा हो गया तो कहते हैं ज्यादा करेंगे ना तो स्वामी जाए उन्हीं के साथ हरिद्वार चला जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा। आसान है क्या? आसान है कि 50 रुपये कपड़ा खरीदे बाबा बन गए, जाके वहां याद आने लगती है घर की। तो किसी ने लिखा, ये राह नहीं है फूलों का, ये राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इस पर मिलते हैं, ले दर्द जमाने का दिल में बस हिम्मत वाले चलते हैं। ये यज्ञ दान है। एक बार महाभारत की घटना, युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोलने लगे कि हे केशव, इतना बड़ा यज्ञ तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो भगवान कृष्ण हंसे, बोले नेवला बताएगा। देखा एक नेवला, बड़ा विचित्र नेवला था, आधा शरीर सोने का आधा साधारण था। नेवले से पूछा कि हमारा यज्ञ कितना बड़ा रहा, इतने साधु संत खाए, इतना भोज हुआ, इतना दान दक्षिणा दिया गया, तो इससे बड़ा यज्ञ तो दुनिया में हुआ नहीं। नेवला रोने लगा, उसने कहा मैं मिट्टी में लोट लगा रहा। बोले क्यों? यज्ञ ढूंढ रहा हूं। तो बोले यहां यज्ञ? बोले हां। कैसे? मैंने एक यज्ञ देखा था। कहां देखा था? बोले एक ब्राह्मण परिवार 10 दिनों का भूखा था, 10 दिनों से भोजन नहीं मिला, और कहीं से 11वें दिन थोड़ी सी रोटी आई, और जैसे ही खाने के लिए बढ़े तब तक 15 दिन का एक भूखा आ गया, और इन्होंने उसे दे दिया। और जहां वो भूखा खाकर हाथ धोया, मैं उधर से गुजरा, उसका जूठन मेरे शरीर में लगा, आधा शरीर सोने का हो गया। वो यज्ञ था, और वैसा ही यज्ञ में ढूंढ रहा हूं, जूठन में लौट रहा हूं कि मेरा आधा शरीर सोने का हो जाए, लेकिन कुछ नहीं। वो यज्ञ था। और त्याग यज्ञ है, बलिदान यज्ञ है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जो भी शहीद हुए, उन्होंने अपने जीवन को ही संविधा बना दी, जीवन की संविधा को राष्ट्र के हवन कुंड में अर्पित कर दिया। और आज फ्री में हमें मिल गई आजादी। उस समय तो हम नहीं थे ना, सुनते हैं केवल, कोई पिक्चर देख ली पुरानी, आजादी की लड़ाई में बहुत लड़े थे, तो लगता सिनेमा में भी तो लड़ाई बहुत होती है, विलेन हीरो लड़, ऐसे ही वो लोग भी लड़ लिए, क्या फर्क पड़ता है। और जिन्होंने लड़ाई की, एक सुई भी चूक जाए तो क्या होता है। एक घटना याद आ गई, गरम दल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब एक कमेटी में थे, और इनके खाने के लिए 2.5 आना मिलता था। चंद्रशेखर आजाद थोड़े तगड़े थे, तो ये 2.5 आने में रोटी और गुड़ खरीद लेते थे सबके सब, और चंद्रशेखर आजाद 2.5 आने की रोटी ही खा लेते बिना गुड़ के। तो एक दिन भगत सिंह ने कहा, पंडित जी आप हमारे नेता हैं, थोड़ा सा अधिक खा ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। रोने लगे, और उन्होंने कहा कि नेता भविष्य का दृष्टा हो, उसके चरित्र पर पूरी पीढ़ी का चरित्र निर्भर करता है, यदि मैं ही ज्यादा लेने लगा तो परंपरा पड़ जाएगी ज्यादा लेने की, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। और आज परंपरा पड़ गई, सरकारी नौकरी लग गई तो मानो कि लूटने की छूट मिल गई। इन सरकारी साधनों को जितना गाड़ी सरकार की न जाए, शिक्षक से ये कहते हुए हमने सुना कि बड़े भगवान की बड़ी कृपा है, नौकरी ऐसी लगी जाना ही नहीं पड़ता, हाजिरी बना लेता हूं। अरे किसे धोखा दे रहे हो आप, किसे धोखा दे रहे हो? एक बार महात्मा गांधी, महादेव भाई ने अपनी डायरी में लिखा कि बापू सूट बूट पहन के आते थे, एक दिन गांव में गए, लौट के आए आधी धोती बांधे हुए, आधी ओढ़े हुए। मैंने पूछा बापू ये क्या हो गया, तो बापू ने कहा कि महादेव भाई आज मेरा हृदय द्रवित हो गया है। तो क्या हुआ? मैं गांव में गया था लोगों को सफाई का महत्व बताने के लिए, और एक बहन ने जो कहा वो मुझे हिला दिया अंदर। बोले क्या कहा? उस बहन ने कहा बापू मुझे भी पता है कि स्वच्छ न रहे तो बीमारी लगती है, लेकिन एक ही साड़ी है तो इसे धो दूं तो पहनूं क्या? तो बापू ने कहा कि जिसका आराध्य एक ही साड़ी में रहे वो कैसे सूट वूट में रह सकता है। और मैंने संकल्प ले लिया कि आजीवन जब तक इस देश का हर नागरिक वस्त्र वाला नहीं होगा मैं पूरे कपड़े नहीं पहनूंगा। और स्वच्छता अभियान चल रही है, हर आदमी की, हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो अपने स्तर पर इस देश को स्वच्छ करे।
अभियान बहुत अच्छा है, सफल भी हो रहा है, लेकिन बहुत जगह हमने देखा नेताओं को, जो एमएलए लोग ऐसे जो खासदार आमदार क्या करते हैं, साफ सुथरे जगह पे गए थोड़ी सी कचरा रखवा के फोटो खिंचवाते हैं, ये भी देखा हमने, हो क्या रहा भाई। तो बोले कि मीडिया में जाएगा, अरे मीडिया में जाना तो सचमुच गटर में घुस के दिखाओ और सचमुच सफाई करके दिखाओ। राष्ट्र प्रेम है तो केवल फोटो में नहीं, कर्म में दिखाई देना चाहिए, और ये यज्ञ हो जाएगा आपके लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, 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 बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए। समाज के लिए जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए।